भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को खुश होना चाहिए, अब वे बिना किसी डर के गोरी कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकते हैं। भाजपा के कुंवारे नेता भी अब कश्मीर जाकर वहां प्लॉट खरीद सकते हैं, शादी कर सकते हैं। मंगलवार को खतौली विधानसभा में हुई धन्यवाद सभा में विधायक सैनी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम नौजवान जम्मू कश्मीर की लड़कियों से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। भाजपा कार्यकर्ता भी उत्सुक हैं। जो कुंवारे हैं उनकी शादी वहीं करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश के लिए खुशी का विषय। विधायक सैनी ने कहा, अभी तक वहां महिलाओं पर कितना अत्याचार था। वहां की लड़की अगर उत्तर प्रदेश के छोरे से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता खत्म, भारत की नागरिकता अलग और कश्मीर की नागरिकता अलग, यानी कि एक देश में दो विधान कैसे होना चाहिए। जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उन्हें भी खुशी मनानी चाहिए, शादी वहां करो ना कश्मीरी गोरी लड़की से, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, ये पूरे देश के लिए खुशी का विषय है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश होंगे। केंद्र सरकार ने राज्यसभा के बाद मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे बहुमत से पारित किया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर दो भागों में बांट दिया गया, पहला राज्य जम्मू कश्मीर और दूसरा राज्य लद्दाख बनाया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में नहीं होगी।